जब मिथुन चक्रवर्ती की एक छोटी सी गलती के कारण ऋषि कपूर बाल बाल बच गए थे। ये किस्सा 1978 में फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के शूटिंग के दौरान की है। इस फिल्म को सिकंदर खन्ना ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, अशोक कुमार, मौसमी चटर्जी, मुकरी, असरानी, हेलन और रंजीत समेत कई स्टार्स इस फिल्म में थे। मिथुन चक्रवर्ती भी इस फिल्म का छोटा सा हिस्सा था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन के कारण ऋषि कपूर की जान पर बन आई थी। इस दौरान सेट पर हलचल भी मच गई थी। ऋषि कपूर के मुंह से खून भी निकलने लगा था। दरअसल फिल्म में एक सीन था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को स्पीड से कार चलानी थी, लेकिन उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को उतना अच्छे से कार ड्राइव करने नहीं आता था। ये बात मिथुन अच्छी तरह से जानते थे और इस फिल्म के सीन के मुताबिक शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने मिथुन से पूछा कि क्या वह कार चलाना जानते हैं। मिथुन ने डर से हाँ कह दिया। उन्हें लगा कि कहीं इनकार के कारण फिल्म उनके हाथ से न निकल जाए। और इसके बाद जब सीन शूट होना था तब मिथुन को सीन के मुताबिक स्पीड से कार चलानी थी और फिर ऋषि और मोकरी के पास जाकर ब्रेक मारनी थी ताकि वो दोनों कार में बैठ जाएं। और मिथुन ने जैसे ही कार चलाना स्टार्ट किया और वो काफी डरे हुए भी थे, स्पीड से कार दौड़ाई और ऋषि कपूर के पास पहुंचते ही ब्रेक मारने में उन्हें जरा सा लेट हो गया और मिथुन ने ऐसा ब्रेक मारा कि ऋषि का मुंह गाड़ी के बोनट से जा टकराया और ऋषि के मुंह से खून बहने लगा। हालांकि गनीमत रही कि ऋषि को ज्यादा चोट नहीं आई और इस घटना के बाद मिथुन ने उनसे माफी भी मांगी और साथ ही बताया कि उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आती। यह सुनकर डायरेक्टर काफी भड़के, उन पर जमकर नाराज हुए और उन्हें खूब फटकार भी लगाई थी। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फिल्मी चटपटे खबरें लेकर आते रहता हूँ।